इंदौर पुलिस द्वारा मंगलवार रात 56 दुकान और इसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि इस अभियान में कोई बड़ी सफलता तो पुलिस को नहीं मिली, लेकिन बदमाशों में जरूर इस चेकिंग अभियान से खौफ का माहौल रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद इंदौर पुलिस ने मंगलवार रात 56 दुकान से एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में तुकोगंज पुलिस के साथ रिजर्व फोर्स भी शामिल हुआ। इस दौरान जो भी व्यक्ति संदिग्ध नजर आया, पुलिस ने उसकी चेकिंग करने के साथ ही उसके घूमने का कारण भी पूछा। भैया वीडियो बना रहे आज यार। करीब एक घंटे तक इस अभियान में कोई बड़ी सफलता तो पुलिस को नहीं मिली, लेकिन इस अभियान से माहौल बिगाड़ने वाले बदमाशों में जरूर खौफ बना। 56 दुकान पे चेकिंग अभियान चलाया गया। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार तीन थानों का बल लेकर संदेही लोगों की चेकिंग, जो सस्पेक्ट एलिमेंट रहते हैं और असामाजिक तत्व जिनके बारे में शोहरत रहती है कि 56 दुकान पर आते हैं और फप्तियाँ कसते हैं, ऐसे लोगों की चेकिंग की गई। उनका आईडी और बैग वैग सब चेक किए गए। हम लोग 30 आदमियों का बल है। तीन थाने के TI साहब लोग हैं, मेरे साथ MG0 TI हैं और सर अपना पलासिया TI हैं, और तीनों थाने का बल। छप्पन दुकान पे दोनों तरफ से अभी चेक किया है। अभी आगे वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे निर्देश रहेंगे उसी हिसाब से चेकिंग की जाएगी।